हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेज या मोड्स ऑफ इंटरिंग इनटू अ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम लोगों ने दो पॉइंट को डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉइंट नंबर टू लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग। उसमें हम लोगों ने उसके डेफिनेशन, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। वेज या मोड्स ऑफ इंटरिंग इनटू अ इंटरनेशनल बिजनेस का थर्ड पॉइंट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और थर्ड पॉइंट हमारा है जॉइंट वेंचर। ओके, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करना चाहते हैं, ऑलरेडी कोई कंपनी है, तो हम कैसे उससे टाई अप कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अ जॉइंट वेंचर मींस, ओके, इस्टैब्लिशिंग अ फर्म डैट इज़ जॉइंटली। कैसे इस्टैब्लिश होगा वो? जॉइंटली इस्टैब्लिश होगा बाय टू और मोर अदरवाइज इंडिपेंडेंट फर्म। ओके, ये तीन तरीके से हो सकता है। लेट्स सी थ्री मेजर वेज। पॉइंट नंबर वन बोलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग एन इंटरेस्ट इन अ लोकल कंपनी। ओके, मान लेते हैं कि ये लोकल है, कंपनी है, फिर ये फॉरेनर आए, इनको इस कंपनी में इंटरेस्ट लगा, उनको लगा कि हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, हमें यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। तो लोकल कंपनी में जब फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वो पॉइंट नंबर वन को क्लियर करेगा, यानी फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन अ लोकल कंपनी, आपके देश में आकर के लोकल फर्म में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन? फॉरेनर। इसका जस्ट अपोजिट है पॉइंट नंबर बी, लोकल फर्म एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म। ओके, ये जो फॉरेनर है वो अगर लोकल में आकर के इन्वेस्ट करेगा तो वो पॉइंट नंबर वन क्लियर करेगा, लेकिन जब एक लोकल कंपनी जो है वो जाकर के फॉरेन में इन्वेस्ट करेगी या इंटरेस्ट दिखाएगी तो वो होगा पॉइंट नंबर बी। ओके, नेक्स्ट बोथ द फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स जॉइंटली फॉर्मिंग अ न्यू एंटरप्राइजेस। जब लोकल और फॉरेनर दोनों मिल करके एक नया इंटरप्राइसेस इस्टेब्लिश करेंगे तो ये तरीका हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करने का। इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करने का फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई फॉरेनर आकर के लोकल कंपनी में इंटरेस्ट दिखाए और या इन्वेस्टमेंट करें, तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रेड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब कोई लोकल फर्म जो है वो ऑलरेडी फॉरेन कंपनी में जाकर के या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो ये दोनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एक चीज़ पर हमने जानना है कि दोनों पॉइंट में ऑलरेडी एक फर्म एग्जिस्ट कर रहा था या एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर कोई नया फर्म नहीं बनाया गया है। नया फर्म कहाँ बन रहा है? पॉइंट नंबर सी में, कि यहाँ पर बोथ द फॉरेनर फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जो फॉरेनर है या जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, दोनों ने मिल करके एक न्यू इंटरप्राइसेस को इस्टेब्लिश किया है, लेकिन पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में फॉरेनर आकर के इंटरेस्ट दिखा रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और पॉइंट नंबर बी में जो लोकल फर्म है वो फॉरेन फर्म में जाकर के इंटरेस्ट दिखाती है या इन्वेस्टमेंट करती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि जॉइंट वेंचर के मेरिट्स क्या हैं, यानी उसके एडवांटेज क्या है। अगर हम जॉइंट वेंचर के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करते हैं या एक रिलेशनशिप बाउंड करने का बनाने का प्रयास करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? सीन्स द लोकल पार्टनर, ओके, सीन्स द लोकल पार्टनर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इक्विटी कैपिटल, वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ऑफ सच अ वेंचर, द इंटरनेशनल फर्म फाइंड इट फाइनेंशियली लेस बर्डनसम टू एक्सपैंड ग्लोबली।
ओके तो यानी जो लोकल पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ही। तो यहाँ पे जो बर्डन है वो कम होगा किस पर, फॉरेनर पर या जो फॉरेन कंपनी है, और वो ग्लोबली एक्सपैंड करेगा। यही बोलता है सिंस द लोकल पार्टनर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, लोकल पार्टनर भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर फॉरेनर आ करके इन्वेस्ट कर रहा है या लोकल कंपनी जा रही है फॉरेन में, तो वहाँ के जो फर्म के साथ वो अगर एग्जिस्टिंग फर्म के साथ अगर वो टाई अप करता है तो वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ताकि जो बर्डन है वो किसी एक पर नहीं आए। वो बर्डन को शेयर करना चाहता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू द इक्विटी कैपिटल्स ऑफ सच अ वेंचर। ओके द इंटरनेशनल फर्म फाइंड इट फाइनेंशियली लेस सम बर्डन सम टू द एक्सपेंड ग्लोबली देन पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, पॉसिबल होगा एग्जीक्यूट करने का लार्ज प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ह्यूज कैपिटल आउटलेज एंड मैन पावर। अगर हमारे पास पैसा होगा, हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो हम लोग वो सारे काम ईजिली कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो अगर दोनों के द्वारा पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो हर कुछ पॉसिबल होगा, हम हर कुछ एक्वायर कर सकते हैं, है ना, और अपने प्लान को या प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट लार्ज प्रोजेक्ट। ओके अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो बड़े पैमाने पर हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। तो दोनों के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो बर्डन किसी एक पर नहीं आएगा। शेयरिंग कॉस्ट एंड रिस्क अवॉइड्स बर्डन ऑन वन। अगर हम जॉइंट वेंचर को इस्टेब्लिश करते हैं तो जो कॉस्ट होगा जो रिस्क होगा वो किसी एक पर नहीं आएगा। ओके अगर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा है तो हम लोगों ने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि सिंगल व्यक्ति जो है वो पूरे के पूरे बर्डन को अकेले ही बेयर करता है। ओके पार्टनरशिप में भी हम लोगों ने वही पढ़ा कि जो दो पार्टनर है बोथ विल बेयर द रिस्क। तो उसी प्रकार अगर हम जॉइंट वेंचर को इस्टेब्लिश करते हैं तो जॉइंट वेंचर में क्या होगा कि हम इसमें शेयर क्या करेंगे, कॉस्ट को भी शेयर करेंगे और रिस्क को भी शेयर करेंगे और अवॉइड करेंगे बर्डन को ऑन किसी एक व्यक्ति पर। अगर किसी एक व्यक्ति पर ज़्यादा बर्डन दे दिया जाए तो वो कोई भी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा असमर्थ होगा, वो हो सकता है कि ओवरबर्डन के कारण कोई ऐसा डिसीज़न ले ले जो कंपनी के रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाएगा। जब वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाएगा तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक रन करवाने में मुश्किल पैदा करेगा, है ना। तो इसीलिए जॉइंट वेंचर जो है किसी एक पर बर्डन नहीं देता है, वो शेयरिंग करता है कॉस्ट एंड रिस्क को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होगा। ओके रिस्क जो है वो बिज़नेस में हमेशा बना रहता है, हम बिज़नेस से रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अच्छे प्लानिंग के साथ, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिक वे में अपने काम को करके हम सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट द फॉरेन बिजनेस फर्म बेनिफिट्स फ्रॉम अ लोकल पार्टनर। अगर कोई फॉरेन फर्म है वो आकर के इन्वेस्ट कर रहा है, या जो फॉरेनर है वो लोकल फर्म में आकर के इन्वेस्ट कर रहा है या जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर रहा है, तो लोकल फर्म के कारण फॉरेनर को बहुत प्रॉफिट होगा या बेनिफिट होगा। नॉलेज ऑफ द होस्ट कंट्रीज कल्चर लैंग्वेज पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिजनेस सिस्टम। जब कोई फॉरेनर इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करता है या इंडिया के किसी व्यक्ति के साथ वो कोई नया बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है या एग्जिस्टिंग फर्म के साथ ही वो टाई अप कर लेता है, तो फ़ायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था बिज़नेस या फर्म, तो उसका एक मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, वो व्यक्ति जानता है कि हमारे कंट्री में किस प्रकार के कस्टमर्स हैं, हमारे देश में कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है,
हमारे देश में कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, लोगों का इनकम लेवल क्या है, नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स या नॉलेज ऑफ द होस्ट कंट्री और उसके कल्चर्स या कस्टम्स बहुत मायने रखते हैं अगर हम कहीं भी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझेंगे, लोगों के विचारों को नहीं समझेंगे, तो हम एक अच्छा बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए हमें उस देश के कल्चर्स को समझना होगा, कस्टम को समझना होगा, लोगों के सेंटिमेंट्स को समझना होगा, लैंग्वेज। अगर हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन हम जिस फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले हैं, हम वहाँ पर अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पाए अपने प्रोडक्ट के बारे में, या मैक्सिमम कस्टमर जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या हमारे प्रोडक्ट को वो समझ नहीं पाए, तो हमने जितना भी मेहनत किया वो सारा का सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट की मेरिट्स या फीचर्स के बारे में समझाने में असमर्थ हैं। वहीं अगर लोकल फर्म के साथ या लोकल व्यक्ति के साथ अगर हम टाई अप कर लेते हैं या फॉरेन कंपनी लोकल फर्म के साथ टाई अप कर लेता है, तो फ़ायदा ये होगा कि जो लोकल व्यक्ति होगा या जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है, वो बेहतर तरीके से प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझा पाएगा। इन्फ्लुएंसिंग पावर अगर अच्छा, यानी हम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को ज़रूर परचेस करेगा। प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर बहुत अच्छा है लेकिन हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने अच्छे से उन्हें इन्फ्लुएंस किया, तो वो हमारे प्रोडक्ट को डेफिनेटली परचेस करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वहाँ का, लॉज, रूल्स, पॉलिटिशियंस कैसे हैं, बिज़नेस के रिगार्डिंग क्या समझते हैं, या बिज़नेस सिस्टम या बिज़नेस करने का तरीका क्या है। लॉज, रूल्स जो होते हैं बिज़नेस के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर देश का एक अपना अपना कानून होता है, लॉ होता है, जिसके तहत वो देश जो है वो रन करता है। तो बिज़नेस अगर लॉज और एथिक्स को फॉलो करता है, तभी वो ज़्यादा डेवलप करेगा, तभी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने प्रोडक्ट को या बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। तो बिज़नेस सिस्टम को समझना होगा, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा। तो ये सब कौन समझेंगे, जो लोकल पार्टनर होंगे। तो लोकल पार्टनर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे देश का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे देश में जो कस्टमर्स हैं, लोग पॉलिटिशियंस हैं, या जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो बिज़नेस सिस्टम है, वो बिज़नेस के रिगार्डिंग क्या सोच रखता है, वो बिज़नेस को डेवलप कराने में कैसे हेल्प करता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशन। द ड्यूअल ओनरशिप अरेंजमेंट में लीड टू कन्फ्लिक्ट। अगर दो लोग हैं और दोनों को सेम पावर दिया जाए, तो भविष्य में हो सकता है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए। ये हो सकता है लोकल पार्टनर अगर फॉरेनर पार्टनर से या फॉरेन पार्टनर से कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, तो क्या होगा, फिर लड़ाई होगी, रिजल्टिंग इन बैटल फॉर कंट्रोल बिटवीन द इन्वेस्टिंग फर्म। तो लड़ाई होगा। अगर मान लो कि फॉरेन कंपनी ने लोकल कंपनी में या लोकल फर्म में इन्वेस्ट किया है या लोकल पार्टनर के साथ उसका टाई अप है, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया या डिस्प्यूट्स हो गया, जिसके कारण जो है वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो फॉरेनर बोल रहा है हम करेंगे, लोकल बोल रहा है हमारा है, तो इस तरीके से जो है वो बिज़नेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश होकर भी रन नहीं हो पाएगा। यानी बिज़नेस को जिस प्रकार इस्टेब्लिश किया गया है, जितनी मेहनत के साथ, अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद एक अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, अच्छी टेक्नोलॉजी और मशीनरी को यूज़ किया गया है, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट किसके रिगार्डिंग होगा, कंट्रोल के रिगार्डिंग होगा, तो हो सकता है कि वो दोनों के लिए ही नुकसान हो जाए। तो कभी कभी जो जॉइंट वेंचर होता है वो बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाता है, एज वेल एज डिस्प्यूट्स का भी कारण बनता है। नेक्स्ट,
शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड सीक्रेट पोजेज अ थ्रेट ऑफ डिस्क्लोजिंग इट टू अदर। अगर एक फॉरेन कंपनी जो है वो लोकल के साथ मिल करके टेक्नोलॉजी शेयर करता है, यानी जो अपने देश में वो टेक्नोलॉजी बना के थ्रू प्रोडक्ट को बना रहा था या जिस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहा था, अगर उसने लोकल पार्टनर के साथ वो टेक्नोलॉजी को शेयर किया, या लोकल पार्टनर जो है वो फॉरेन पार्टनर के साथ मिल करके टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, तो इससे क्या होगा कि एक डर बना रहता है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में जान गया है। अगर कभी डिस्प्यूट्स होगा, एग्रीमेंट ख़त्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, तो वो ऑलरेडी हमारे कंपनी के बारे में जानता है, हमारे बिजनेस के बारे में जानता है, पार्टनर के बारे में जानता है, तो उससे क्या होगा कि वो भविष्य में फिर उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा होता है कि बहुत सारे जॉइंट वेंचर क्रिएट किए गए हैं, पार्टनर्स जो हैं वो आपस में जॉइंट वेंचर को क्रिएट किया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस उन्होंने अपने एग्रीमेंट को ख़त्म किया, लेकिन जिन चीज़ों को वो साथ लेकर के चल रहे थे उसके बाद भी तो उन्हें बिजनेस करना ही करना है, तो वो लोग लंबे समय तक एक बिजनेस को रन कर रहे थे, लेकिन जब लड़ाई हो गया तो वो लोग अलग हो गए। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, क्या क्या प्रोसीजर से हम बिज़नेस को रन करते हैं, तो वो सारा एक दूसरे के बारे में, जो भविष्य के लिए ख़तरनाक हो सकता है। यानी पार्टनर्स अगर एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं तो वो फ्यूचर में उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर है होली ओन्ड सब्सिडीज़। ओके, ये क्या बोलता है कि दिस एंट्री मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज़ प्रीफर्ड बाय कंपनीज़। ये जो तरीका है या ये जो मोड है वो उसके द्वारा प्रीफर किया जाता है जो चाहता है कि हमारा कंट्रोल पूरी तरीके से हो, विच वॉन्ट टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल। ओके, जो चाहते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनेशनल बिजनेस हम करना चाहते हैं तो उसमें जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए वो पूर्णता होना चाहिए, यानी पूरे तरीके से एक ही व्यक्ति का उस फॉरेन कंपनी फॉरेन फर्म में पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। वो अपने कंट्रोल को डिवाइड नहीं करना चाहता है या शेयर नहीं करना चाहता है। अगर हम अपने कंट्रोल को शेयर करेंगे या पावर को शेयर करेंगे तो हम अकेले कोई भी डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं होंगे, यानी हमें जब भी कोई डिसीज़न लेना होगा तो अपने पार्टनर से के मदद से या पार्टनर की सहमति से हम कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले हम कोई डिसीज़न लेंगे तो वो गलत होगा, लेकिन जब जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया जाता है या पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किया जाता है तो जितने भी मेंबर हैं या जितने भी पार्टनर हैं उनकी सहमति से हम कोई डिसीज़न ले पाते हैं, तो वो थोड़ा देर भी होता है डिसीज़न लेने में, थोड़ा देर हो, क्योंकि जब तक सारे पार्टनर एक पॉइंट पर एग्री नहीं होंगे क्या हम कोई निर्णय ले पाएंगे, नहीं, तो वहाँ पर जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो जब शेयर होगा तो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी शेयर किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ओके, ओवर देयर ओवरसीज ऑपरेशन। वैसे लोग जो चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस करें या इंटरनेशनल बिजनेस को प्रिफर करते हैं बाय कंपनीज विच वांट टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल, और फुल कंट्रोल चाहते हैं अपने ओवरसीज ऑपरेशन पे, यानी जो वो फॉरेन में जाकर के अपने बिजनेस को कर रहे हैं या फर्म को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो उस फर्म में पूर्णता कंट्रोल चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पार्टनर हमारे साथ मिल करके हमारे बिजनेस को रन करें, कुछ डिसीज़न वो ले और कुछ डिसीज़न हम लें, वो ऐसा नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, फुल कंट्रोल चाहता है ओवरसीज ऑपरेशन पर, वो जो वहाँ एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, वो जो काम वहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, या कंपनी में छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो भी डिसीज़न लिया जाएगा वो उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, विदाउट उसके परमिशन के वहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमने जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ा तो लोकल पार्टनर जो है या जो फॉरेनर पार्टनर है दोनों के सहमति से कोई डिसीज़न लिया जाएगा,
टेक्नोलॉजी दोनों मिल करके शेयर कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन भी दोनों के द्वारा हो रहा है। तो जब कैपिटल दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है और पावर दोनों के पास सेम शेयर हो रहा है, तो वहाँ पर डिसीज़न लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जब तक दोनों किसी एक बात पर एग्री नहीं होंगे। इस्टैब्लिश इन टू वेज़, हम इसको दो तरीके से इस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूर्णतः कंट्रोल हमारा हो, तो नंबर वन या नंबर ए हम इसे मान सकते हैं, सेटिंग अप अ न्यू फर्म को सेटअप करना ऑल टुगेदर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री। हम एक नया फर्म को इस्टेब्लिश करके, सेटअप करके फॉरेन कंट्री में एक फर्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो पूरा होगा। तो फुल कंट्रोल तभी होगा जब हम उसमें कुछ पूरे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी अगर हम कहीं से पैसा अरेंज भी कर रहे हैं तो लोन के तौर पर बोरो कर रहे हैं, लेकिन जिससे हम पैसा ले रहे हैं हम उसको अपने फर्म में या बिजनेस में मेंबर नहीं बना रहे हैं, पार्टनर नहीं बना रहे हैं। अगर हम लोग उसको अपने साथ बिजनेस में रख लेते हैं या जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो भविष्य में वो फिर वो हमारा पार्टनर हो जाएगा जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जिस समय हमने बोला कि चलो तुम भी कंट्रीब्यूट करो और तुम्हारा भी कुछ इसमें शेयर होगा। तो फिर वो पूरी तरीके से कंट्रोल बिजनेस में उस एक व्यक्ति का नहीं होगा। तो पहला तरीका क्या है कि बिजनेस को सेटअप करना या फर्म को, नए बिजनेस को सेटअप करना ऑल टुगेदर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब विदेश में जा कर के या फॉरेन कंट्री में जा कर के एक नया सेटअप स्टार्ट करना, नया बिजनेस सेटअप करना। तो उसी तरीके से जो हमारा कंट्रोल होगा वो पूरा होगा, यानी हम कंट्रोल को शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक्वायरिंग एन एस्टैब्लिश्ड फर्म इन द फॉरेन कंट्री एंड यूजिंग द फर्म टू मैन्युफैक्चर एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट इन अ होस्ट नेशन। एक ये तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, एक एग्जिस्टिंग फर्म को ऑलरेडी हम उसे ले लें और लेने के बाद ये करेंगे कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को क्या करें, मैन्युफैक्चर करें, यूजिंग दैट फर्म टू मैन्युफैक्चर। वो फर्म क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा एंड प्रमोट करेगा उसके प्रोडक्ट को इन अ होस्ट कंट्री या होस्ट नेशन में या होस्ट कंट्री में। तो ये दो तरीका है जहाँ पर हम इस बिजनेस या फुल कंट्रोल को इस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स, एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अगर हम होली ओन सब्सिडीज़ के थ्रू अपने बिजनेस या फर्म को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो पूरा कंट्रोल है वो एक ही व्यक्ति का हो। यानी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएंगी, जो भी ऑपरेशंस किए जाएंगे, जो भी काम किया जाएगा, डिसीज़न लिया जाएगा, उसमें पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो उसी का होगा जो उसमें, जिसने उसको स्टार्ट किया है या उसमें कंट्रीब्यूट किया है। भले उसने कितने ही लोगों के द्वारा पैसा बोरो किया है, लेकिन उसमें उन लोगों का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट्स टेक्नोलॉजी और ट्रेड सीक्रेट टू अदर। अगर हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो ज्वाइंट वेंचर में फॉरेन पार्टनर जो है, जब वो लोकल पार्टनर के साथ मिल करके बिजनेस को सेटअप करता है, तो वहाँ पर वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, वहाँ पर वो अपने ट्रेड के सीक्रेट्स को शेयर करता है। अगर एक दूसरे से हम सीक्रेट ही साफ बात रखेंगे या छुपा करके रखेंगे, तो पार्टनरशिप जो होगा या फिर ज्वाइंट वेंचर जो होगा वो ज़्यादा बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। ज्वाइंट वेंचर तभी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा जब हम अपने देश में यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी को, हम जब हम ज्वाइंट वेंचर इस्टैब्लिश करेंगे तो वहाँ भी हम वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे या डेवलप कर पाएंगे। या जो हमारा ट्रेड करने का तरीका है तो वो हम डिस्क्लोज करेंगे, तभी तो ज्वाइंट वेंचर अच्छे से चल पाएगा। अगर हम चीज़ों को छुपा करके रखेंगे या कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, तो हम बिज़नेस भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे और पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को
या ट्रेड के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करे, तो उसके लिए हमें यही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तब यहाँ पर कोई भी डर नहीं होता है कि बाद में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया ज्वाइंट वेंचर में, तो एक दूसरे के बारे में दोनों लोग जानते हैं, तो वो उनका फ्यूचर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति वो लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो एक को नुकसान हो जाए। लेकिन जब हम पूरे तरीके से अपना कंट्रोल रखेंगे बिजनेस पर, तो ये होगा कि हमने कुछ टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया, अपने ट्रेड सीक्रेट्स हमने डिस्क्लोज नहीं किए, तो यहाँ पर आगे हम अगर हमें फ्यूचर में बिजनेस को बंद भी करना होगा, तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक व्यक्ति के पास है, वो किसी के पास तो शेयर नहीं कर रहा है। और जब वो शेयर नहीं कर रहा है, तो जब चाहे वो स्टार्ट करे और क्लोज करे, डर नहीं रहेगा कि हमारा जो बिजनेस है या जो उसके सीक्रेट्स हैं वो किसी और के पास भी हैं, जो कल फ्यूचर में जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हर बिजनेसमैन का एक अपना तरीका होता है बिजनेस करने का। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, हम देखते हैं कि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, या हर प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट ज़रूर होता है। जो डिफरेंट होता है वही चीज़, या जिस चीज़ के कारण वो डिफरेंट होता है वही कंपनी का सीक्रेट होता है, या कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कंपनी मिक्स करते हैं, कुछ ऐसा तरीका होता है कि जिसके कारण जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो अदर बिजनेस से ज़्यादा बेटर होती है, ओके? या जो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है वो किस क्वालिटी का होता है। तो अगर हम जॉइंट वेंचर के थ्रू अगर ये काम लेकर के चलेंगे, तो ये मार्केट में शेयर, यानी जो पर्सन टू पर्सन पर शेयर हो जाएगा, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस, यानी डीमेरिट्स। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज। ये बिजनेस अच्छा है लेकिन स्मॉल और मीडियम साइज फर्म के लिए अच्छा नहीं है, विच डू नॉट हैव इनफ फंड्स विद देम टू इन्वेस्ट अब्रॉड। अब स्मॉल स्केल या मीडियम साइज के जो फर्म्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, फंड्स अवेलेबल नहीं होता है, वो उतना ही अरेंज कर पाते हैं कि वो अपने बिजनेस को अपने ही देश में अच्छे से रन करवा पाए, मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम जाकर के अब्रॉड में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें, तो इस प्रकार से वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनके पास फंड्स है वो अवेलेबल नहीं है। कभी कभी ये होता है कि जो स्मॉल या मीडियम साइज़ के फर्म्स होते हैं उनको अपने ही देश में बिजनेस को रन करने में कभी कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या उनके पास इतना पैसा नहीं होता है या फंड्स नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को परफेक्टली परफॉर्म कर पाए। जब वो अपने ही देश में चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं अब्रॉड में या फॉरेन में? फॉरेन में जाकर के वही इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास इनफ फंड है या बहुत ज़्यादा पैसा है, तभी तो वो अपने देश में भी बिजनेस को चलाएगा और फॉरेन कंट्री में जाकर के भी बिजनेस को चलाएगा। अगर हम अपने ही देश में चलाने में असमर्थ हैं या चीज़ों को अरेंज नहीं कर पा रहे, बार बार हमें लोन लेना पड़ रहा है, तो बिजनेस की हर एक एक्टिविटी कहीं ना कहीं वो परफेक्टली परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण जो है वो उतना इन्वेस्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। और जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो फिर उनका पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं रहेगा। कंट्रोल रखने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा एक ही के द्वारा होना चाहिए। अगर हम उसको शेयर करते चले जाएंगे या हर व्यक्ति को बोलेंगे कि आप भी कंट्रीब्यूट करो, आपको भी हम अथॉरिटी देंगे, या आप भी हमारे प्रॉफिट में शेयर करोगे, तो उस प्रकार फिर ये जो है होली ओन सब्सिडीज़ वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, हैज़ टू बेयर द इंटायर लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ इट्स फॉरेन ऑपरेशन। इसमें डीमेरिट एक ये भी है कि जब एक व्यक्ति जो है वो फॉरेन में इन्वेस्ट करता है,
जब वो प्रॉफिट कमाएगा तो पूरा अकेले वही रखेगा, लेकिन जब कंपनी कभी लॉस बेयर करेगा या फेल हो जाएगा एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, जो उसके कारण उसे खर्चा होगा या हानि होगा वो अकेले ही उसे बेयर करेगा, फिर उसके साथ कोई हिस्सेदार नहीं होगा। जिस प्रकार प्रॉफिट के समय वो अकेले उसने प्रॉफिट को इन्जॉय किया, कोई और तो उसके प्रॉफिट को इन्जॉय करने के लिए नहीं आया, उसी प्रकार जो लॉसेस होंगे पूरे के पूरे लॉस को उसे अकेले ही बेयर करना होगा। ओके, वहाँ पर कोई और नहीं आएगा जो उसके लॉस को उसके साथ बेयर करे। तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट हो जाता है। अगर हमने जॉइंट वेंचर को देखा, मान लो कि डिस्प्यूट्स भी हो गया या कंपनी ने लॉस भी कमाया, तो लॉस भी अगर कमाया है तो उस लॉस को क्या कर रहे हैं, हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करने के कारण क्या होगा, जो बर्डन होगा वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं होगा, तो बर्डन जो है वो शेयर हो रहा है। ओके, तो बर्डन जब शेयर होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेशर है वो भी कम होगा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी बर्डन आ रहा है, लॉसेस यहाँ पर भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने लॉस को या बर्डन को शेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, हैज़ टू बेयर द इंटायर लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ इट्स फॉरेन ऑपरेशन। मतलब फॉरेन में जो उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, जो वहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए था, जो जिस तरीके से बिजनेस करना चाहिए था वो उसको करने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण उसे लॉसेस को फेस करना पड़ा। नेक्स्ट, दे आर सब्जेक्ट टू हायर पॉलिटिकल रिस्क। यानी पॉलिटिकल रिस्क का जो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर के बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे, ना कि आप अपने देश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर हमने वहाँ के हिसाब से काम नहीं किया तो हमें उसके कारण भी लॉसेस होंगे। ओके,